थोड़ी देर बघावा के छोड़ दे हो मोही पर सवार हो जाई। थोड़ी देर बघावा के छोड़ दे हो मोही पर सवार हो जाई। ए माई होए तने तू देई द संघती आय अकेले सीमा पार हो जाई। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी नवरात्रा चल रहा है तो आप सबों को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में खुशियों पूरा का पूरा खुशी भर दे। ठीक है, आज हम कुछ देखने वाले हैं। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता है ना तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मन में ना अलग अलग प्रकार की चीज़ें चल रही होती है। कुछ कहेगा कि गाइड खरीद लो, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में होता है कि गैस पेपर खरीद लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये बम खरीद लो वो बम खरीद लो, हाँ मतलब उनको लगता है कि कहाँ से क्या मिल जाए कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए। शायद ये बातें वो शुरू से समझ लिए होते जिस समय से उनका क्लास शुरुआत होता है। जैसे मान लीजिए कि जनवरी में जो उनका क्लास की शुरुआत होती है, यदि वहीं से इसको टारगेट बनाकर चले तो अभी इस टाइम में आकर यानी एग्जाम के टाइम में आकर उनको जो है बॉम्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, ये अणु बॉम्ब, ये सब जो मिलता है मार्केट में, ठीक है, ये सब खरीदने की शायद उनको ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं है, अभी तक आपने मान लीजिए कि तैयारी नहीं कर पाया है, ठीक है, और अब आप जो है सोच रहे हैं कि क्या खरीदें हम, ठीक है। तो अभी मार्केट में जो अवेलेबल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमको गाइड खरीदना चाहिए, ठीक है। ट्वेल्थ वाले बच्चों को ये लग रहा होगा या टेंथ वाले बच्चे कोई भी हो, चाहे वो ट्वेल्थ के बच्चे हो या टेंथ का बच्चा हो, बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जो भी 2023 में है, ठीक है, उन सबों के लिए ये वीडियो होने वाला है कि आप अब क्या पढ़ें, गाइड पढ़ें कि गैस पेपर पढ़ें कि क्वेश्चन बैंक पढ़ें, ठीक है, हीट गैस पेपर पढ़े, माने अलग अलग पब्लिकेशन का बहुत सारा अलग अलग मटेरियल मार्केट में आपको मिलेगा। लेकिन उस सब मटेरियल में आपको क्या पढ़ना है ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आज इस वीडियो में यही कंप्लीट बताने वाले हैं कि यदि आप चाहते हैं कि गैस पेपर खरीदे या फिर गाइड खरीदे या फिर क्वेश्चन बैंक खरीदे, माने बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में हैं उनमें से आपको खरीदना क्या है, ठीक है, किससे आपको बेहतर तैयारी मिल सकता है। उससे पहले तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि ज़्यादा आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू यदि मैथमेटिक्स की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाह रहे तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और जितना क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट सफिशियंट है बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स करने के लिए, ठीक है। यदि आप 90 प्लस मार्क्स करना चाह रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको ना ही गैस पेपर की ज़रूरत है, ना ही आपको क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, ना ही आपको गाइड की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही आपको कोई बॉम्ब की ज़रूरत है। आपको हर रोज़ जो वीडियो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है यहाँ से, बस आप उस कंटेंट को केवल हर रोज़ देखते रहिए और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। पहला स्टेप तो हम आपको यही कहेंगे। दूसरा, इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें खरीदना ही चाहिए मार्केट में, तो खरीदिए, पैसा आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि अब उसमें भी आपके लिए बेहतर क्या है, ठीक है, गाइड बेहतर है आपके लिए या फिर आपके लिए गैस पेपर बेहतर है या आपके लिए क्वेश्चन बैंक बेहतर है। तो आपको बता दें कि गाइड में क्या होता है कि पूरा का पूरा किताब का जो है ना टॉपिक वाइज लिख देता है उसमें, समझ में आ रहा है। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है, ठीक है, साफे नहीं पढ़े, मान लीजिए हरियाणा से कमा के आए हैं, दिल्ली से कमा के आए हैं और चाह रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जाएं और जो है वहां जाकर लिख दें, तो हम आपको कह रहे हैं कि वैसे बच्चे किसी शिक्षक के गाइड में, समझिए ठीक से, किसी शिक्षक के गाइडलाइन के अनुसार ही आप पढ़ें, ठीक है, समझ में आ रहा है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। सुन लीजिए ठीक से, किसी शिक्षक के गाइडलाइन के अनुसार अब आपको पूरा का पूरा जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो है गाइड, एक गाइड आता है जिसमें सबका सब आपको जो है मिल जाएगा, सब सब्जेक्ट वही में रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, माने टोटली आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा।
तो आपके लिए गाइड बेहतर है। किन बच्चों के लिए? जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, माने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस हरियाणा कमाने गए थे या दिल्ली कमाने गए थे, ठीक है, या फिर आपने घूमकर अपना समय व्यतीत कर दिया है, फुआ के यहाँ जाकर, मौसी के यहाँ जाकर, या दोस्तों के साथ मार्केट में घूमकर आपने पूरा समय खर्च कर दिया है, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि हम जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर लें, ठीक है, तो आपके लिए गाइड सफिशियंट है। लेकिन हाँ, गाइड तब आपका काम करेगा जब आप किसी शिक्षक के गाइडलाइन में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी तैयारी करेंगे, अन्यथा आपको क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसा हमें लग रहा है, क्रैश कोर्स भी उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो पहले पढ़ चुके हैं और अब उनको जो है मतलब मेन टॉपिक को जो है लेकर चलना है, तो क्रैश कोर्स भी उन्हीं बच्चों के लिए है। तो आपको याद रखना है, हम इस बात को कभी प्रमोट नहीं करेंगे कि आप हरियाणा से कमा के आइए, गाइड पढ़ लीजिए और बोर्ड एग्जाम में आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, नेवर, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन यदि वो बच्चा खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए गाइड बेहतर है, आप गाइड खरीद सकते हैं और किसी शिक्षक के गाइडलाइन में जाकर जो है आप तैयारी को कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आपने आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना बाबू। चलिए, दूसरा कि अब आपके पास जो बच्चे लगातार पढ़े हैं, यानी मान लीजिए कि जनवरी और दिसंबर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप वो जो है तैयार है, मतलब पूरा फुल सिलेबस उनका जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो उनको क्या करना है कि अब बोर्ड एग्जाम के व्यू से पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि आपने तैयारी तो कर लिया, जितना आपको नॉलेज हासिल करना था आपने उतना कर लिया है, एक साल का पढ़ाई आपने कंप्लीट कर लिया है, एक साल में 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, तो अब ये 2-3 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए काम करना है। बाद बाकी आपको बेसिस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा भाग दौड़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मूल रूप से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास करना है या बोर्ड एग्जाम के लिए आपको देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक लें। अब आप कहिएगा कि गुरुजी क्वेश्चन बैंक पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बस बहुत ज़्यादा फायदा है, आप गाइड पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं, गाइड में वही चीज़ लिखा है जो आपने साल भर पढ़ा है, समझ लीजिए ठीक से, गाइड में वही चीज़ें लिखी हुई है, उसको मतलब बिंदुवार जो है वो लिख दिया है, तो गाइड में वही चीज़ें लिखी हुई है जो आपने साल भर पढ़ाई की है, तो आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए गाइड नहीं है, आपके लिए क्या है तो क्वेश्चन बैंक है। क्योंकि अब आपको देखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपको उसकी तैयारी करनी है अब, ठीक ना, कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट च्वाइस होगा वो आपका होगा क्वेश्चन बैंक। अब आप क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें वही लिखा हुआ रहेगा जो पीछे 8-9 साल 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बेस्ट होता है कि 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 2 अंक स्तरीय हो या 5 अंक स्तरीय हो, ठीक है, सबका एक कलेक्शन आपको होना चाहिए। अब आप जब उस कलेक्शन को देखेंगे, जब आप उसके क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, इससे आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा, ठीक है। और यदि आप ये समझ ले कि आपको यदि ये पता हो जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या तैयारी करना मुश्किल होगा आपके लिए? नहीं होगा, क्योंकि आपने एक साल पढ़ाई किया है, ठीक है। तो अब आपके लिए जो बेस्ट च्वाइस होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने पीछे 8-9 महीने से तैयारी किया है, बस अब बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है सबसे बेस्ट च्वाइस है कि आप जो है किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बैंक लीजिए और आप उससे तैयारी कीजिए। दूसरा, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि 2009 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका एक एक सेट होगा ना, जैसे मान लीजिए कि 2009 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है, तो आप हर रोज उसमें से 25 क्वेश्चन एक टाइमिंग सेट करके बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, 25 क्वेश्चन टाइमिंग सेट करके बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि टाइम जो आपका फिजूल मतलब एग्जाम में जाकर जो टाइम आप ज़्यादा खर्च करते हैं वो टाइम टेकन होगा आपका, ठीक है। यदि आप ऐसा अभी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले आपको ये क्वेश्चन वाला जो काम है ये निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में जो है अपने समय से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। अन्यथा होता क्या है कि अब आप एग्जाम में गए
आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में टाइम ज्यादा ले लिया, सब्जेक्टिव के लिए आपको टाइम नहीं बचा, तो उस समय रोना रोते हैं आप कि हमको इतने में टाइम नहीं मिला, इतना टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप जो है जे मान लीजिए कि अभी 60 क्वेश्चन वाला जो आ गया है, तो कोशिश कीजिए कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और उसके बाद 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन का जो एक सेट तैयार करें। ठीक है, और उसी सेट से 3 घंटा बैठकर एग्जाम दे। समझ में आ रहा है? 3 घंटा बैठकर एग्जाम दे हर रोज। और जो बच्चा लगातार 1 महीना से एग्जाम दे रहा है, क्या एक दिन का एग्जाम उसके लिए भारी पड़ेगा क्या? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में टाइम, मतलब यदि टेकन आप करना चाह रहे कि टाइम के अंदर ही हम अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, तो उसके लिए पहले से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो ये काम आपको बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले करना है। बट अभी आपको यदि आप गेस पेपर गाइड और यदि क्वेश्चन बैंक में सिलेक्शन करना चाह रहे हैं कि कौन सा हमको खरीदना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदिए, तो क्वेश्चन बैंक खरीदिए। और ये वही बच्चे खरीदेंगे जिन्होंने पीछे तैयारी कर लिया है। ठीक है, हाँ, और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और आज शाम में आप लोग का जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हमारा टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उसमें आप सभी अवश्य जुड़े। चलिए, धन्यवाद।